देश में बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता को निजात दिलाने की कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों में पेट्रोल पंप पर पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी पार्क के सामने यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई से आम जनता को राहत देने की मांग की। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी को कम कर जनता को कुछ राहत दी है। हालांकि इस राह को कांग्रेस ने नाकाफी बताया और कहा कि इससे भी महंगाई कम नहीं हुई है। कोशिश है कि हमने राहत दे दी है, ये राहत सफिशियंट नहीं है। ये राहत उस रूप में नहीं है कि आम आदमी इस राहत से कुछ अपने को अच्छा महसूस कर सके। लगातार मैं कह तो रहा हूँ कि 120 दिनों तक लगातार 30 और 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाकर आपने 120 दिन तक रेट बढ़ाए और उसके बाद 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिए हों, तो ये इतने से काम नहीं चलेगा। लोगों को भारी राहत की आवश्यकता है। आज हर जगह पर महंगाई है। खाने का तेल देखिए आप, सब्जियों के दाम देखिए, और ऊपर से मोदी सरकार ने जो गरीबों का राशन है 30 नवंबर के बाद निर्णय लिया कि वो भी बंद कर देंगे। आखिर लोगों को मारने की कोशिश क्यों हो रही है? गरीब आदमी को मारने की कोशिश क्यों हो रही है? हम इसके खिलाफ हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिस प्रकार से त्रस्त है, आहत है, ये आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को ऊपर उठाए, सरकार तक उन मुद्दों को लाए। और उसी के क्रम में हमें बड़ी ही मायूसी इस बात से हुई कि लगातार 120 दिनों तक 30 और 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से तेल के दाम बढ़ाते 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 100 के पार चले गए, और तब उसमें मामूली राहत देकर सरकार जो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये जनता के हित की सरकार है, ये आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। आज गैस का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, सब्जियों में आग लगी हुई है, आम लोग जिए तो जिए कैसे? सरकार को इनकी पार्टी के लोग तो बता नहीं रहे। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, और सरकार को इस बात तक पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करें। और आज हम सब कांग्रेसजन यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार के कानों में जूं रहेंगे और सरकार को ये एहसास हो कि लोग कितने त्रस्त हैं। सरकार ने जो राहत दी है वो भी कांग्रेस पार्टी के तमाम धरने प्रदर्शन के बाद ये राहत जारी हुई है, लेकिन तेल के दामों में की गई ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये पूरा नहीं होता। सरकार 120 दिनों में जितनी बढ़ोतरी की गई थी वो तमाम बढ़ोतरी वापस ले, और उसके साथ साथ जो अन्य हमारे गैस सिलेंडर के दाम जो भारी मात्रा में आगे बढ़ गए हैं उनको भी उस स्तर पर लाए जिस स्तर पर कांग्रेस की सरकारें छोड़ गई थी।